So I just received this message today in the morning and finally एक साल के बाद आ रहा है अपने जो मॉडल मैंने ऑर्डर किया था। Hey morning guys, time right now is 12 PM here in Dubai and सुबह आज बहुत दिनों के बाद एक गुड न्यूज मिला which was this Rolex Datejust 30s ये मैंने ऑर्डर किया था लास्ट साल जाके मैंने ऑर्डर किया था सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एक्चुअली वेंट टू रोलेक्स शोरूम एंड गॉट माय प्रोफाइल रजिस्टर्ड। रोलेक्स कैसे काम करता है बेसिकली वो क्या करती है ऐसे नहीं कि आप बहुत पैसे वाले हो डायरेक्टली जाके आपने पैसा फेंक दिया मिल जाएगा वैसे नहीं होता। रोलेक्स में लाइक नो मैटर वेर एवर यू गो इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं भी जाओ आपको कहीं भी सामान नहीं मिलने वाला। आप जो भी ऑर्डर करोगे आपको नॉर्मल वेटिंग लिस्ट है वो भी आपको डायरेक्टली नहीं भी देंगे आपका पहले प्रोफाइल रजिस्टर करेंगे आपका प्रोफाइल को वेरीफाई करेंगे गूगल में जाके आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे उसके बाद ऐसे नहीं कि कोई लुच्चा लफंगा पैसे वाला जाके डायरेक्टली बोला कि मेरे को ये चाहिए दे दो दे आर नॉट गोइंग टू गिव इट टू यू दे आर गोइंग टू प्रॉपरली वेरीफाई प्रोफाइल एटलीस्ट इन दुबई स्विट्जरलैंड आई हैव सीन इंडिया में कैसे होता है नो आइडिया बट दुबई में तो वो पूरा प्रोफाइल वेरीफाई करेंगे गूगल से यूट्यूब से। मेरा तो उस दिन पूरा लास्ट में उसने क्लास ही ले लिया था यूट्यूब में क्या करते हो इंडिया में आपका क्या बिजनेस है सारा प्रोफाइल उसने पूरा लिया हुआ था उसके बाद ओनली दे हैड अप्रूव्ड माय प्रोफाइल। उसके बाद प्रोफाइल अप्रूव होने के बाद एक साल उस दिन उन्होंने कहा था कि आपको एक साल लगेगा ही लगेगा एक साल से पहले आपका सामान नहीं आने वाला है। आज एग्जैक्टली एक साल तो नहीं हुआ है आई थिंक 10 months हुआ है लास्ट अप्रैल या मई में मैं गया था ऑर्डर करने के लिए तो उसके बाद नहीं मिला तो आई हैड जस्ट वेंट अहेड एंड गॉट इट यूज्ड फ्रॉम पोर्शे ग्रुप रिसेलर से मैंने अपना यूज्ड वाला ही ले लिया था। दिस वाज वन दिस जीएमटी मास्टर और एक अपना सबमरीनर जो दो मेरा फेवरेट था एंड डेटजस्ट मैंने ऑर्डर किया था बट काफी दिन हो गए थे ऑफकोर्स आई डिड नॉट अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं कि फिर से मैं और एक लूँ सो अभी मैं तो भाई टोटल रिटायर कर चुका हूँ बट मैं क्या करने वाला हूँ कि आई एम गोइंग टू बिल्ड ए प्रॉपर पर्सनलिटी फॉर तपस। तपस के लिए हम क्या करेंगे अच्छा से कलेक्शन बनाएंगे अभी हमने डिसाइड किया एटलीस्ट 6 या 7 जो मेन रोलेक्स जो भी मॉडल्स है वो सारे करेंगे उसके बाद और भी कुछ प्लान से बाद में आपको बताऊंगा। पहले हमें आपको अभी इमीडिएटली हमें पहले शोरूम जाके इसको लेके आना है एंड ये ऐसा है कि हमें एग्जैक्टली एमआरपी में मिल रहा है वी आर गोइंग टू बाय इट फॉर एग्जैक्टली 12 lakhs ऐसे कुछ मिलेगा एंड द मोमेंट वी कम आउट ऑफ द शोरूम इमीडिएटली वी कैन ऑल्सो सेल इट फॉर 15 lakhs 17 lakhs 20 lakhs हमारे हिसाब से हम पैसा डबल सीधा पैसा डबल। दिस इज वाई द मतलब अगर आपके पैसा पैसा है आपके पास वॉचेस आर वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई वुड ऑलवेज से। चलो एनीवेज आई नीड टू गो फिनिश माई प्रोटीन शेक उसके बाद इमीडिएटली अपन निकलते हैं टुवर्ड्स मॉल ऑफ एमिरेट्स टू द रोलेक्स शोरूम। स्विट्जरलैंड में भी मैं गया था बहुत सारे रोलेक्स शोरूम में घूमा घूम के हर जगह मैंने पूछा हुआ था सबको ही मना के स्विट्जरलैंड में तो ऐसा रूल है कि मतलब यू हैव टू बी ए रेसिडेंट ऑफ दैट एग्जैक्ट टाउन और सिटी टू मतलब उनके पास स्टॉक होगा फिर भी आपको नहीं देंगे। मतलब जैसे मैंने जोमैट गया हुआ था जोमैट में हम लोग रोलेक्स शोरूम गए तो उसने कहा कि अनटिल अनलेस यू हैव ए स्विस सिटीजनशिप एंड यू आर ए सिटी मतलब रेसिडेंट ऑफ जोमैट वी आर नॉट गोइंग टू गिव इट टू ऐसा स्ट्रिक्ट है स्विट्जरलैंड में भाई जबरदस्त रूल्स। एनीवेज सो अपना ये रेस बॉक्स एस आ चुका है रेस बॉक्स एस ये पूरा एक मस्त वाला डेटा लॉगर है इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिस दिन वीडियो बनाएंगे उस दिन इसमें टू अपना उरुस में क्या करेंगे 0 to 100 एंड 0 to 200 वाला टेस्ट करेंगे एंड पूरा डेटा लॉग करके मैं आपको दिखा दूंगा ठीक है इसका अलग से एक वीडियो आएगा। अभी के लिए यू कैन जस्ट सी हाउ स्मॉल द बॉक्स इज टेस्ला जब था मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था बट इसका हम इस बार बनाएंगे उसमें तो GPS का मॉड्यूल पूरा कार के बाहर लगाना पड़ता है इसमें कुछ लगाना नहीं है सीधा इसको क्या करेंगे इंस्टॉल करेंगे और उसमें यहाँ अपना ड्राइव वाला टेस्ट भी आएगा। एंड ट्रेड तो अपना सुबह सुबह खत्म हो चुका है यहाँ पे हुआ था आई थिंक एंट्री इट वाज हियर यहाँ से होके यहाँ पे एग्जिट हुआ है उसके बाद जो कितना उड़ के गया हुआ है साला प्रीमियम यहाँ पे मैंने एग्जिट किया है ये वाला एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जिट हुआ उसके बाद जो रॉकेट हो गया साला लक 7 दिन कभी नहीं देता है जहाँ पे एग्जिट मारा वहीं से रॉकेट आराम खोर। एनीवेज गुड ट्रेड नाइस एंड भाई लोग अभी नेक्स्ट 15 days लुक्स लाइक मेरा टोटल टाइम भी चेंज हो जाएगा क्योंकि जब इंडिया में आपका रात होता होगा मेरा दिन होगा जब मेरा दिन होगा आपका रात होगा सो बेसिकली आई विल बी लीविंग फॉर ए लॉन्ग रोड ट्रिप ऑफ क्लोज टू 12-15 days खत्म करके आऊँगा सो मे बी अपना ट्रेडिंग वाला आवर्स में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है बट वही है जब इंडिया में 9:30 बजे का मतलब 9:15 होगा तब वहाँ पे रात का 9:15 हो जाएगा सो आई एम गोइंग टू लीव टुमारो। उसके बाद एक मस्त 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 व्लॉग्स भी आ जाएंगे बिकॉज द ओनली वीडियोज व्हाट आई लव मेकिंग इज ड्यूरिंग द ट्रैवल रोड ट्रिप में ही बेस्ट वाले वीडियोज बनते हैं। चलो your time and do your tricks.
पहली बार मॉल ऑफ एमिनिटी इतना खाली दिख रहा है, कभी भी इतना मतलब एक भी पार्किंग स्पॉट नहीं मिलता है, और रमादान चल रहा है उसी लिए पूरा देखो खाली 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 खाली। आए थे हम लोग लास्ट मंथ शायद यहीं पर आए थे, ओमेगा वाला स्टोर यही पीछे में ही है, वही पीछे में ही है। ब्राइटलिंग हमने लिया हुआ था कहीं दुबई मॉल, दुबई मॉल में एक अच्छा है, दुबई मॉल में अगर कुछ भी शॉपिंग करो उसको लेकर दुबई मॉल ऐप में डालो तो एमिरेट्स में फिर रिवॉर्ड्स ऐड हो जाते हैं, मॉल ऑफ एमिरेट्स में कुछ भी लो तो कहीं भी रिवॉर्ड्स ऐड नहीं होता। सिटी बैंक वालों ने तो मस्त सजा दिया है, सॉरी HSBC बैंक, सिटी बैंक उस तरफ। यहाँ पे तो पूरा रमादान हो ही गया है जैसे, एप्पल स्टोर में तो कुछ है नहीं लेने के लिए, सब कुछ ले जा चुके हैं हम लोग। इस सेम वाला स्टोर में आया था लास्ट बार ऑर्डर करने के लिए, उन्होंने कहा कि एक साल का वेटिंग था, उसका लक खतरनाक जमता है। उस दिन हम लोग आए थे बोले कितना टाइम लगे, मैं लोग एक साल तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद हम लोग ब्राइटलिंग में चले गए थे, आज उसने मैसेज किया बोला कि स्टॉक पे आया है, आके आप इमीडिएटली लेके जा सकते हो। रोज गोल्ड को येलो गोल्ड लगुनि पूरा गोल्ड गोल्ड এইটা খালি রোজ গোল্ড হয়ে যাইলে হইতা না, গোটে রোজ গোল্ড এইটা আর কিনে দেলে হবে, যেটা কি আসে পুরো ম্যাচ করি, রোজ গোল্ড যেত এইটা পিন্দিব, রোজ গোল্ড গোল্ড আলাদা একটা ব্রেসলেট পিন্দা হবে, এটা কোন ইয়েলো গোল্ড রোজ গোল্ড অলগা হচ্ছে, রোজ গোল্ড এই এমনি মোট নাই এইটা কোন মোট রোজ গোল্ড টাইম এমনি গেলা। পুরো ফিট হল, পুরো ঠিক হল না, ম্যাচ বি করি হলা ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହଁ ଟାଇଟ୍ ଟାଇଟ୍ ଭଲ ଲାଗିବ, ବେଶୀ ଲୁଜ୍ ହେଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। The first Rolex? Yeah. You start with a great piece. Very high demand one. Warranty instruction will be here. Sir, if you have share application, you can submit your receipt there, you will get 1% reward. Okay. ଚାଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଫଟୋଟା ଆସିବ, କଲର ଲୋଗୋ ସହିତ ବି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଚାଲ ହୋଗେ ଆପଣ କାମ କବି ବି ମିଳିତା ନି ଇତନା ଲକ୍ ଖତରନାକ ହେଇକି ସିଧା ଢୁଣ୍ଡେ ସିଧା ହିଁ ମିଳ ଗିଆ। ୟା ପେ ବି ଜୋ ଜୋ ହେ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆ ଚୁକା ହେ, ଇଏ ଆପଣ ପାସ ହେ, ଇଏ ବି ଆପଣ ପାସ ହେ, ଇଏ ନାଇଁ ଇଏ ତ କଲର ଅଛ ବି ନାଇଁ ଦିଖା, ଇଏ ତ ମସ୍ତ ହେ, ଇଏ ବି ଆପଣ ପାସ ହେ, वो भी अपने पास है, वो वाला रिफैनी बेचैन टाइट है, वैसे हम जाना पड़ता टाइट है वो 42.5 ना, हमारे लगू जी 43 एक का साइज ना, नौ नंबर जबरदस्ती नहीं कि लगने
टाइट है वो अंगूठी टाइट ही अंगूठी टाइट है वो गोड़ा ये मैं देख ही ले जाना पड़ेगा ना वो कॉस्टो पार्टी चीज़ दिल्ली 50,000 टांग रहे छोटा साइज ये तो फलों कलर भी देखा हुआ ची मैं भी फिट है वो सुंदर ची कलर था चलो यहाँ का काम खत्म, अभी चलते हैं अपना लैम्बोर्गिनी शोरूम, वहाँ पे सर्विसिंग का क्यों ड्यू दिखा रहा है वो जगह एक बार देखते हैं। उन्होंने तो कहा था एक साल के बाद सर्विस लगेगा, पर अभी 6-7 महीने में वो बोल रहा है कि सर्विस ड्यू, जाके देखते हैं क्या मात्रा है इसका। What's going on? Final class. Okay. Done. Patra re biryani. What is this? Patra wala biryani, South Indian style. Yeah, bekar dikhao ji. I don't think so. I can have. तो गाइस फाइनली बैक टू होम। मेरे को फिर से सब कुछ पैकिंग वैकिंग करना पड़ेगा, कल सुबह सुबह फ्लाइट है, इतना सारा पैकिंग लिस्ट है पक्का, कुछ ना कुछ मैं भूलूंगा, उसके बाद जाके मेरे को पहले खरीदना पड़ेगा। लास्ट बार भी स्विट्जरलैंड के ट्रिप में सब कुछ एक 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 पॉइंट याद करके लिया था, बट लास्ट में हैड फॉरगॉटन द ट्रिमर। उसके बाद वहाँ स्विट्जरलैंड से इतना फालतू का इतना पैसा ले गया, वही सेम वाला ट्रिमर दुबई ने इंडिया में 1/4 प्राइस में मिलता था, स्विट्जरलैंड में फालतू का इतना पैसा देकर खरीदा था, और एक वाला केबल भी लेके गया था फालतू का, इस बार नहीं लेने का। इस बार सब कुछ याद करके सब कुछ पैकिंग करके ले जाएंगे, जबरदस्त वाला पैकिंग का ही आज करेंगे। मैं वीडियो बनाने जाऊँगा पैकिंग का जैसा नहीं है, एक लंबा वाला 1 घंटे का वीडियो बनेगा जितना पैकिंग। एनीवेज आने के बाद बहुत सारा वीडियो पेंडिंग है, आज मेरे को 1-2 वीडियो करके ही रात में सोना पड़ेगा, उसके बाद आई विल नॉट बी हियर इन दुबई फॉर नेक्स्ट 10 और 15 डेज एंड आई विल चूज टू अदर न्यू प्लेस।